जब भी कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का मन करे तो रागी डोसा ज़रूर बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं रागी का डोसा, जिसे कि कहीं रागी कहते हैं, कहीं नाचनी कहते हैं, तो कहीं मड़वा कहते हैं। आपके शहर में से क्या कहते हैं आप ज़रूर बताएं। इसके लिए हमने एक कप लिया है यहाँ रागी का आटा, एक चम्मच हमने डाल लिया है इसमें सूजी, एक चम्मच हम इसमें आटा डाल लेते हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। इसका बैटर हमें तैयार कर लेना है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हम दाल चावल रोटी सब्जी तो खाते ही रहते हैं, पर इस तरह से जब आप रागी का डोसा बना के खाएंगे ना, ये खाने में भी टेस्टी होता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ना ही फर्मेंट करने की ज़रूरत है और ना ही कोई और तामझाम करने की। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही पतला सा होना चाहिए, इस तरह से पानी की तरह होना चाहिए। एक कप रागी के आटे में हम 2.5 कप पानी डालेंगे। तो ये देख सकते हैं, अब हम इसे रेस्ट पे रख देते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए चटनी तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है चने की दाल और मूँगफली। इसे हमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। आप फ्रेंड्स ध्यान रखें, इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना भूने वरना जल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने लगे, इसे हम निकाल लेते हैं और जब ये ठंडी हो जाए, हम इसे चटनी जार में डाल लेते हैं। इसमें तीखे के लिए अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल लें, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये चटनी तैयार है और अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने ऑयल में राई डाल लिया है, कड़ी पत्ता डालेंगे, लाल मिर्च डाल लेते हैं। अब हम इस तड़के को चटनी में डाल लेते हैं। तो ये हमारी टेस्टी सी चटनी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले लिया है रागी का जो बैटर हमने बनाया था। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से ये रेस्ट कर चुका है। करीब 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट पर रखा था इसे। और जो रागी होता है ना फ्रेंड्स, ये रागी का जो आटा है वो नीचे बैठ सा जाता है। तो ये देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब हम इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए डाल लेते हैं इसमें कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज हमने इसमें डाला है, कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल लिया है, इससे काफ़ी अच्छा इसका लुक भी आएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा और इस सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, रागी का जो आटा होता है ना, वो हम नीचे अक्सर बैठ सा जाता है, तो इसलिए आप जब भी डोसा बनाएं तब आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। यानी कि एक डोसा बनाएंगे, फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर दूसरा डोसा बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तवे को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम इसमें इस तरह से बैटर डालेंगे। जब हल्का हल्का सा ये सिकने लगेगा ना, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई सा ना लगे। और जब अच्छी तरह से ये पक जाए तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाता है। फ्रेंड्स, आपको इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए कितना क्रिस्पी ये हमारा डोसा बन के तैयार हुआ है। और अब इसी तरह से हम बाकी के भी डोसे बना के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका तवा अच्छा गर्म रहेगा तो ये डोसा बिल्कुल अच्छा बन करके तैयार होता है और इस तरह से काफ़ी जालीदार बनता है, क्योंकि हमने इसका बैटर जो है वो थोड़ा पतला सा ही रखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बाकी के भी डोसे बना लेने हैं और आप अब किसी भी चटनी के साथ इस डोसे को सर्व कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पर जो चटनी बनाई उसकी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, या चाहे तो नारियल की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म रागी डोसा तैयार है। आप भी इसे ज़रूर से बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नई रेसिपी के साथ। चल देन, बाय बाय।